और फिर इसकी भी टॉयलेट अपनी आंखों से लेजर बीम सीधा बाबा की तरफ फेंकता है। दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुली और स्किप्ड टॉयलेट हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि स्किप्ड टॉयलेट गुल्ली को अपने वश में कर उस बंगले के अंदर चला जाता है और ये सब नजारा गुल्ली और सोन बाहर से छिपकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रॉड आता है। गुल्ली और सोन उसे इशारा कर अपने पास बुला लेते हैं और फिर सोन बोलता है रॉड इसके अंदर स्किप्ड टॉयलेट ने बुल्ली को बंद करके रखा है। रॉड बोलता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी बुल्ली को अंदर से लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर रॉड उस बंगले के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद रॉड देखता है कि कमरे के बाहर बहुत सारा खून गिरा हुआ है। रॉड उस कमरे के अंदर चला जाता है, अंदर बुल्ली रहता है। रॉड बुल्ली को अपने कंधे में बैठा कर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर रॉड पर हमला कर देता है। और इधर गुल्ली और सोन बंगले के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन रॉड और गुल्ली को ये सारे लोग चारों तरफ से घेर कर इसे अपने जैसा बना देते हैं। काफी देर होने के बाद गुल्ली और सोन उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं। तभी ये सारे मॉन्स्टर और रॉड और गुल्ली भी इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली और सोन एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। गुल्ली और सोन उस मॉन्स्टर को इतना मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब आगे देखिए, अरे ये क्या, ये सारे मॉन्स्टर तो गुल्ली और सोन के बिल्कुल सामने खड़े हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर भी लिए हैं। सोन बोलता है गुल्ली अब हम लोग भागेंगे कैसे, इन लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है और साथ में गुल्ली और रॉड भी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन गुल्ली सोन का कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि गुल्ली का डर के मारे बोलती बंद हो चुका है। और फिर सारे मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, ये तो बाबा है। और बाबा को देखने के बाद गुल्ली और सोन तो काफी ज्यादा खुश हैं। सोन बोलता है बाबा इन लोगों को छोड़िएगा मत, देखिए इन लोगों ने रॉड और गुल्ली का क्या हाल किया है और ये लोग अभी हम लोगों को भी मारने वाले थे, अच्छा हुआ कि आप आ गए। बाबा बोलते हैं अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, अब देखो मैं इन लोगों की कैसे तुड़ाई करता हूँ। बाबा की बात सुनकर सारे मॉन्स्टर हंसने लगते हैं। उसमें से एक मॉन्स्टर बोलता है ये बुड्ढा मुझे मारेगा, देखने में तो इतना छोटा लग रहा है और इस बुड्ढे में तो लगता है कि जान भी नहीं है, लगता है एक थप्पा मारेंगे तो यहीं पे गिर जाएगा। गुल्ली बोलता है अपना जवान संभाल के बोलो, ये हमारे बाबा लंगोटी लाल है, इन्होंने अच्छो अच्छो को धूल चटाया है, तो तुम किस खेत की मूली हो। मॉन्स्टर बोलता है कि ये बुड्ढे को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। मॉन्स्टर की बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा बोलते तो ठीक है चलो दो दो हाथ कर ही लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और बाबा कितना बोलते ही वो मॉन्स्टर बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और बाबा भी उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगा देते हैं और मारपीट चालू हो जाता है। बाबा तो इस मॉन्स्टर को पागल कुत्ते की तरह मार रहे हैं। सोन बोलता है बस करिए बाबा नहीं तो ये मर जाएगा। और फिर बाबा उस मॉन्स्टर को उठाकर जमीन में गाड़ देते हैं। सारे मॉन्स्टर बाबा का ऐसा रूप देखकर पीछे हट जाते हैं। गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम लोग का क्या हुआ, हवा निकल गई, बाबा सर से लेकर पांव तक औलाद है, एक बाप की औलाद है। सारे मॉन्स्टर तो पीछे हट चुके हैं लेकिन स्किप्ड टॉयलेट पीछे नहीं हटा है, लगता है कि स्किप्ड टॉयलेट कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर स्किप्ड टॉयलेट की दोनों आंखें लाल हो जाती है। बाबा बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मनहूस जैसा गाना गाकर और अपनी आंखों को लाल करके मुझे डरा दोगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, अब देखो मेरा स्ट्रीम मोड। और अब बाबा और स्किप्ड टॉयलेट दोनों अपनी स्ट्रीम मोड को ऑन कर चुके हैं। और फिर स्किप्ड टॉयलेट अपनी आंखों से लेजर बीम सीधा बाबा की तरफ फेंकता है। अरे ये क्या, बाबा तो स्किप्ड टॉयलेट के वार से बच चुके हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बाबा को कुछ नहीं होने वाला,
एक बार फिर से स्कीबरी टॉयलेट अपनी आंखों से लेजर भी भावा की तरफ फेंकता है। लेकिन इस बार भी बाबा बच जाते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर ने तो पत्थर से बाबा का मारकर सर फोड़ दिया है और बाबा फिर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा का ऐसा हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोन बोलता है लगता है इस बुढ़े का बुढ़ापे में शक्तियाँ कमजोर हो चुकी है। गुल्ली बोलता है सोन बाबा को छोड़ो, अब हम लोग को कौन बचाएगा। और फिर सारे लोग गुल्ली और सोन की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली और सोन अपने हाथों को जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन ये लोग तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। सारे लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो स्कीबरी टॉयलेट के सारे दुश्मन हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम लोग को मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, तुम लोग इन बच्चों पे अपना जोर क्यों दिखा रहे हो। अगर तुम्हें लड़ना है तो हमसे लड़ो, और तुम लोग ने तो इस बुढ़े को भी नहीं छोड़ा, देखो बेचारा कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन फिर सारे मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये लोग भी फायरिंग करना चालू कर देते हैं। और मरने के बाद रॉड और बुल्ली भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं और फिर बाबा भी उठकर खड़ा हो जाते हैं। गुल्ली बोलता, क्या बाबा आप इन लोगों को नहीं मार पाए, और एक ही पत्थर पड़ने पर जमीन चाट गए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था। बाबा बोलते हैं, अभी तो मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था, मैं उठकर इन लोगों को मारने ही वाला था। बाबा की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।